सब्सक्राइब कीजिए इस अनमोल सेवा चैनल को सबसे पहले साखियां सुनने के लिए। एक लड़की अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी आप रोज सत्संग करते हो, रोज भजन सिमरन करते हो, सुबह शाम नहा करके रोज सुबह शाम भजन सिमरन करते हो, वाकई में इस भजन सिमरन में क्या है जो आप सुबह शाम भजन सिमरन में बैठते हो। वो व्यक्ति बोलता है कि बेटा भजन सिमरन करने से बहुत कुछ हमको मिलता है, हमारा मन बिल्कुल शांत होता है, हम अपने मन को दिन भर अच्छी तरीके से रख पाते हैं। तो वो बेटी बोलती है कि पिताजी आप कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज और कैसे भजन सिमरन में ध्यान लगा लेते हैं, हमें भी बताइए, हम भी करना चाहते हैं और इससे और क्या क्या फायदे होते हैं भजन सिमरन से। वे व्यक्ति बोलता है कि बेटा देखो भजन सिमरन से हमारा सब कुछ सुख शांति अच्छी बनती रहती है और हमारे मन को बिल्कुल भी शांति मिलती है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारा दिमाग काम करता है और अपने मन को शांति बनाए रखता है और हम अपने सफलतापूर्वक सभी कामों में सफल हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे माता पिता हमारे सब कुछ भजन सिमरन करते थे और वो इस बात भी हमें भी बताते थे कि हम भी ये सारे रास्ते पे अच्छे रास्ते पे चल सके। और तुम भी बेटा करोगी ना तो अच्छे से अच्छे तुम भी सफलतापूर्वक अच्छे कामों में कर पाओगी और पढ़ाई में भी तुम्हारा मन लगेगा। और एक बात जान लो, अभी भजन सिमरन करने से दिन को शांति मिलता है और हमारे सतगुरु भी कहते हैं कि भजन सिमरन अच्छी तरीके से करो, तुम अच्छी तरीके से भजन सिमरन करते हो तो तुम्हारा सुख शांति सब कुछ अच्छा बना रहेगा, जिसके चलते तुम अपने मन को और तन को अच्छा विश्वासों के साथ रख पाते हो, जिसके कारण दुनिया में तरक्की करने के साथ ही जरिया होता है। और तुम भजन सिमरन ऐसे नहीं सभी शांतिपूर्वक कर दो, क्योंकि एक बंद कमरे में करने से भजन सिमरन ध्यान लगाना पड़ता है और ध्यान लगाकर सिर्फ सतगुरु को याद करना होता है, हमारा परमात्मा सब कुछ ठीक करता है, जिसके चलते हम अभी भी अच्छी तरीके के सुख शांति और चिंताएं दूर कर सकते हैं। मन में कितना भी गहरा चिंता हो, हम सतगुरु को याद करते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जिसके तरीके से आप और सभी ऐसे ही कर सकते हैं। तो सत्संग जी, हाँ आप भी भजन सिमरन में ध्यान नहीं लगता तो आपको जबरदस्ती ध्यान लगाना पड़ेगा और ध्यान लगाने से ही मन को शांति मिलता है। और बाबा जी फरियाद यही करते हैं कि भजन सिमरन में मन बिल्कुल भी नहीं लगता तो क्या करना, जबरदस्ती मन तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे आपको चाकू से कुछ भी नहीं कट रहा, चाकू से लोहे को काटेंगे तो वो नहीं कटेगा, वैसे ही भजन सिमरन में अगर आप मन को लगाएंगे, नहीं लगाते हैं तो बिल्कुल नहीं लगेगा, लगाते हैं तो जरूर लगेगा। तो आप इसको प्रयास करते रहिए, आपको मन जरूर लगेगा। और आपके घर में कोई भी बच्चे हैं और वो भी करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी सलाह दीजिए, क्योंकि मन ये सब करने से मन की चिंताएं दूर होती है और आगे बढ़ने में कोई काम करने में सफलता हम लोगों को मिलती है। तो आप ये सारे चीज बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।